मुझे दुष्ट आत्माएं परेशान करती थी। और जब मैं सोने गई और मुझे बड़ी अजीब सी बेचैनी होने लगी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे गर्मी लग रही है, मैं एसी के नीचे सोऊंगी, आप यूजुअली वो एसी के नीचे सोते हैं, तो मैंने कहा आप इधर को आ जाइए, मैं इधर आऊंगी और मैं एसी के नीचे सोना चाहती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा बीच में सो रहा था और मुझे अजीब सी गर्माहट और बेचैनी हो रही थी और मैं अपने इधर करवट उधर करवट कर रही थी। और फिर मेरे को एकदम से अचानक से रात के एक पहर में मेरे मुझे गूज़बम्स आने लगे और मेरे जैसे रोंगटे से खड़े होने लगे और मैं समझ गई कुछ गड़बड़ है। और मैं बताना चाहती हूँ मैं आधे नींद में थी और मेरी आधी आंखें खुली थी, मैं अपने पूरे होश में थी, मैं आपको बता रही हूँ ये बात। और मैंने ना जोर से चिल्ला के बोला अपनी आत्मा में नींद में इस चीज को कि दुष्ट और दुष्ट आत्मा तो जो मेरे पास आ रही है और मुझ पे अटैक करना चाह रही है ना, पर यीशु के नाम से मेरे पास से दूर हो जाओ। और बस मैंने इतना ही बोला होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो दुष्ट आत्मा ने मुझ पे इस तरीके से अटैक किया कि मैं मतलब जैसे आप समझिए कि दो एनिमल्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं, वो घूर रहे एक दूसरे को और बस सोच रहे हैं कि कैसे अटैक करे। और जैसे अटैक करते हैं, आई हैव फेल्ट दैट, मैंने वो एक्सपीरियंस किया। और एक दुष्ट आत्मा थी वो मुझे डराना चाहती थी और मैं आपको बताना चाहती हूँ उसने मुझ पे अटैक किया और उसने चाहा कि वो मुझे हिला दे झंझोड़ दे। और मैं बताना चाहती हूँ मैं शरीर से बहुत कमजोर थी उस समय, मैं शरीर से कोशिश कर रही थी कि मैं करवट लेके अपने हस्बैंड को उठाऊं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ मैं आत्मिक रीति से प्रार्थना कर रही थी और मैं ऐ हमारे बाप की प्रार्थना बोल रही थी। मैं बताना चाहती हूँ दो लाइनों के बाद मुझे याद नहीं था मैं आगे क्या बोलूं, मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं प्रार्थना बोलते बोलते भूल जा रही थी और वो दुष्ट आत्मा मुझ पे हंस रही थी। और मैं बताना चाहती हूँ कि किसी ने मुझे दबाया हुआ था, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है वो महान है। मैं बोलती जा रही थी कि यीशु के नाम से मुझसे दूर हट जा, यीशु के नाम से मुझसे दूर हट जा, ते तुझे पता नहीं है कि ये यीशु का शरीर है, ये यीशु इसमें खुदा प्रवेश मसीह वास करता है। और मैं बोलती जा रही थी और मैं बोलती जा रही, मुझे उसी समय जो विजन आया वो ये आया, दिखा मुझे कि मैंने प्रार्थना जब करी तो मैंने अपने लिए पहले प्रार्थना नहीं करी, अपने आप को लोगों के बारे में नहीं बांधा। और मैं बताना चाहती हूँ शायद 15 से 20 मिनट ये फाइट चली, जो बेचैनी तो बहुत देर से हो रही थी, 11:30-12 बजे से जब हम लेटे हैं सोने के लिए उस समय से मुझे बेचैनी हो रही थी, लेकिन जो ये फाइट चली है ये चली। और फिर मेरी आंखें ऐसी ऐसी हो रही थी और मैंने बस आंखें खोली और मैंने जोर से चिल्लाया यीशु मसीह, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा मेरे लिए प्रार्थना करिए जल्दी, क्योंकि मैं उस समय कुछ बोल नहीं पा रही थी मेरा। और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने ऐ हमारे बाप की प्रार्थना को खत्म किया, वो छटक के मुझसे दूर चला गया और मैंने अपने हस्बैंड से कहा मेरे लिए प्रार्थना करिए। और उसी क्षण मैंने देखा रात के 3 बज रहे थे, 3:08-10 हो रहा था, मेरा बेटा भी बिलख के उठा उसी समय, मेरे हस्बैंड भी एकदम से उठे। मैं कहना चाहती हूँ कि हम पे भी दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, बट वो हम पे कामिल नहीं हो सकती क्योंकि हमारा शरीर आत्मा पर प्रभु यीशु मसीह का है। yes. खुदा का बहुत धन्यवाद करना मांगता हूँ कि पता है ये बहुत जरूरी है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए और वाइफ अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करे। आपको प्रोत्साहित करना मांगता हूँ, बहुत जरूरी है। और जब आप एक हो जाते हैं तो यकीन मानिए खुदा की सामर्थ दुगनी हो जाती है और कोई दुष्ट की चाल आप पर नहीं चल सकती। आमेन। मैं चाहता हूँ मेरे साथ मिलकर कहिए इस बात को, मैं तेरी सेवा करूं, मैं तेरी सेवा करूं। मैं बताना चाहती हूँ अगर इंसानी तौर पे और संसारिक तौर पे आप सोचें तो अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे तो अगले दिन आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई मैं नहीं कर रही किसी के लिए प्रार्थना, मैं नहीं कर रहा किसी के लिए प्रार्थना, ये तो मुझ पे ही अटैक हो गया। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ जब मैंने अपने आप को यीशु मसीह की बेटी बोली है कि मैं खुदा की बेटी हूँ और वो मेरा पिता है, तो वो एक भला पिता है, वो मेरी रक्षा करना जानता है। और मुझे खुदा ने कहा कि जब तुमने प्रार्थना करी तो तुमने बाउंड्री सेट नहीं करी,
और तुमने अपने आप को लहू के बाड़े में नहीं मांगा और किसी का जीवन बदला है, किसी के जीवन में यीशु मसीह प्रवेश